हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। कृपया इन अत्यंत ही दिव्य शब्दों को मेरे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दों का अर्थ देखिए। परित्राणाय साधूनां अर्थात परित्राणाय मतलब उद्धार के लिए, साधूनां मतलब भक्तों के, विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय मतलब संहार के लिए च तथा दुष्कृतां यानी दुष्टों के। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म मतलब धर्म के, संस्थापनार्थ यानी पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि युगे युगे। संभवामि मतलब प्रकट होता हूँ, युगे युगे मतलब प्रत्येक युग में। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृता उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृता या उपद्रवी मूर्ख तथा अदम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से ही भूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावना में लगा रहता है तो वह विद्वान या संस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्चयवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतरित होते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे किंतु
तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ ही संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज महाराज कृत चैतन्य चैतन्य के निम्नलिखित श्लोकों में मध्य लीला 20.263.264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। वे कहते हैं, सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यो में सभारे अवस्थान, विश्वे अवतरे धरे अवतार नाम। अर्थात अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भागवत धाम से भौतिक प्राकृत्य हेतु होता है। ईश्वर का अवतार विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भागवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्ति अविश अवतार, मनमंत्र अवतार तथा युगा अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता रहता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन की लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवतम जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार कष्टों का विनाश, दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहितु की कृपा से उनका उद्धार करता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। हम गुरु और गौरांग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि वो हम पर कृपा करें तो हम भगवान और गुरु महाराज के इन दिव्य वाक्यों को समझ सकें और उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साक्षिजातं सहगणरघुनाथन् वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता शिवाधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं गौरये शिवाधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिश्री वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद् गीता माते की जय हो। अत्यंत ही सुंदर दो श्लोक हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इतने प्रसिद्ध श्लोक हैं कि बच्चे बच्चे को इनके विषय में पता है कि इसमें भगवान क्या कहते हैं। जैसे सातवें श्लोक में हमने ये पढ़ा कि भगवान कब बात है। भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म प्रधानता पकड़ लेता है तो फिर मैं उस समय अवतार लेता हूँ। तो भगवान ने सात नंबर में ये बताया कि मैं कब आता हूँ। और आज भगवान अत्यंत ही प्रिय शब्दों में बताते हैं कि मैं क्यों आ रहा हूँ। तो भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान ने अपने आने के लिए तीन कारण बताए हैं। पहला परित्राणाय साधुनाम साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना है कि साधु कौन है जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। तो अब साधु हमारी नजर में क्या होगा, सिक्का रखेगा, तिलक रखेगा, धोती पहनेगा या फिर वो गहरे रंग का कपड़ा पहनेगा, ऐसे साधु होता है। लेकिन भगवान की नजर में साधु कौन है तो भगवान स्वयं बताएंगे। भगवान बताते हैं 9.30 में भगवान ने कहा अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरे वसमन्तः
व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो, यानी कि यदि सुख, दुराचारी का मतलब होता है जो अधर्म करता है, अपराध करता है, लेकिन सुदुराचारी सुष्ट रूप है, सुपरलेटिव डिग्री लगा के भगवान ने कहा, यदि कोई अनाचारी हो, दुराचारी हो, और उसमें भी वो दुराचारी का सरदार बने। देखिए कोई लोग बोलते ना ऐसे, जब मैं पैदा हुआ तो दुष्टों ने सोचा हमारा सरदार आ गया, तो ऐसा है कि यदि वो सरदार भी हो दुष्टों का, तो भी भगवान कहते हैं तो भी क्या करना चाहिए, साधु रेव मंतव्य। अरे क्यों मंतव्य, मतलब उसको मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाव, यदि वो अनन्य भाव से बिना विचलित हुए, यानी एक ही ट्रैक पर खाली एक, और अनन्य का मतलब होता है कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, केवल कृष्ण का नाम भजन करता है, केवल कृष्ण को स्मरण करता है, केवल कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है। यदि वो कोई अपराध भी करता है, यदि जैसे कोई कोई ऐसे भक्त, भक्त को अपराध करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि वो भक्त है कृष्ण का, अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा करता है, और यदि उससे कोई अपराध घटित होता भी है, तो अभी भगवान ने आदेश दे दिया, देखो तुम्हें उसको साधु माना। इसका मतलब भगवान यहाँ पर हमें प्रथम नाम अपराध से सावधान कर रहे हैं, कि मेरा भक्त है उसकी गारंटी मैंने ली है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है उसके विषय में कुछ ऐसा वैसा बोलने की, तुम्हें क्या करना है साधु रेवसा मंतव्य, तुम्हें तो उसको साधु ही मानना है। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसके अंदर भले कितने ही अवगुण हो, एक क्वालिटी तो है ही, क्या कि वो अपने संकल्प में अडिग है, वो उसका संकल्प है कि मैं कृष्ण से प्रेम करूंगा, कृष्ण को भजन करूंगा, और वो यदि ऐसा कर रहा है तो भले वो कितने दुराचार कितना ही करता हो, लेकिन आपको उसके विषय में ऐसे नहीं बोलना है कि वो ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, फिर भी आपको क्या करना है साधु रेवसा मंतव्य। मंतव्य का मतलब होता है कि आपको मानना है उसको साधु ही मानना है, तो यानी अब भगवान हमें बोल रहे हैं कि आपको उसको साधु मानना है जो मेरा भजन करते, इसका मतलब है भगवान की नजर में साधु कौन है, जो कि भगवान का भजन करते हैं, अनन्य भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया हमें 9.30 में कि साधु कौन है, और 4.1 में बताते जो ऐसे साधु होते हैं ना, उन पर जब कष्ट होता है तो परित्राणाय, उनका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, क्योंकि उनको मैं कष्ट में नहीं ले सकता, कि मेन पर्पज। अब देखो पहले पहले भगवान ने कहा परित्राण है साधु नाम, तो मैं उनका उनका परित्राण करने के लिए आता हूँ, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ, तो खाली एक ही काम नहीं होता है, अब मुझे उनका उद्धार करना होता है तो साथ साथ में दूसरा काम हो ही जाता है, कौन सा, विनाशाय च दुष्कृतम। तो भगवान के आने का मेन पर्पज क्या है, साधुओं की रक्षा करना, और रक्षा की आवश्यकता कब पड़ती है, जब वो साधुजन दुष्टों के द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, यानी उनको जब पीड़ा पहुंचाई जाती है, उनको जब कष्ट पहुंचाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो दुष्ट कौन है, तो भगवान ही बताएंगे कि वो दुष्कृतिनो कौन है। तो भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 15 में कि ये दुष्कृता कौन है, जैसे भगवान ने कहा ना विनाश है से दुष्कृतम, तो दुष्कृतम कौन है, तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमाम मतलब जो नहीं आते हैं दुष्ट, वो दुष्ट है, कहाँ नहीं आते, मेरी ओर, जो मुझे सरेंडर नहीं करते हैं, जो मेरा नाम नहीं स्मरण करते हैं, जो मेरा भजन नहीं करते हैं, तो भगवान ने कहा प्रबद्धन्ते, प्रबद्धन्ते का मतलब शरण ग्रहण करना, जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो कौन है, मूढ़ है, दुष्ट है, और नर अधम यानी नरों में जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनमें
सबसे अधम है। माया हृत ज्ञान, वैसे तो वो भी सच्चिदानंदमय भगवान का ही अंश है, तो क्योंकि वो सत है, चित है, आनंद है, तो उसका अंश भी सच्चिदानंदमय होना चाहिए, परंतु माया के द्वारा उसका ज्ञान हरण कर दिया गया है, उसके पूरे ज्ञान को माया ने किडनैप कर लिया है। आसुरम भावमाश्रित, इसलिए वो आसुरी स्वभाव का बन गया है और वो नास्तिक और आसुरी धारणा धारण, मतलब वही विचारधारा धारण करता है, इसी प्रकृति को वो धारण करता है। और भगवान मेन यहाँ पर भगवान क्या बताने हैं, नमाम दुष्कृति मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो दुष्ट है वो अगर जानना है आपको कि वो कौन है, तो भगवान ने कहा नमाम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं वो दुष्ट हैं। अब यहाँ पर समझ में आ गया ना दोनों का, परित्राण साधु नाम, साधु नाम कौन है, साधु कौन है, जो भगवान ने कहा भजते माम अनन्य भाव, जो बड़ी श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं। और दुष्कृतम कौन है, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, जो दुष्ट वो है जो मुझे कभी मुझे सरेंडर नहीं करते, मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो जो ऐसे दुष्ट होते हैं शिवपंच बोलते हैं, ये जो दुष्ट होते हैं ना, उनको मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं, भगवान के पास इतनी शक्ति है जो केवल आंख के इशारे से ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। उस भगवान को एक दुष्ट के लिए, एक साधारण असुर के लिए मारने के लिए संसार में आना पड़े, ऐसा नहीं है। भगवान केवल भ्रकुटि मात्र से इस संसार का संहार कर सकते हैं, एक दुष्ट की क्या बात है, किंतु तो भी भगवान सदैव अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते। भगवान का मेन आने का अभिप्राय होता है क्योंकि भक्त जो होते हैं वो सदैव चाहते हैं कि भगवान के साथ वो लीला आस्वादन करें, प्रेम का आदान प्रदान करें। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उन्हीं दुष्टों, ये भगवान की माया होती है वास्तव में, तो ये दुष्ट भी कोई साधारण नहीं होते जो भगवान की लीला के साथ सहयोगी होते हैं। जो जो ये दुष्ट होते हैं ना, जो भगवान की, अब देखो भगवान के हाथों मरना कोई साधारण बात हो सकती है, तो ये जितने भी दुष्ट हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो भी विशेष जीव है। दुष्टों का भी ऐसा पुण्य होता है जो स्वयं भगवान, उन भगवान के हाथों उनका वध होता है। तो ये प्रश्न होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु है, कंस है और इत्यादि जितने भी असुरगण हैं, दुष्ट हैं, फिर भी भगवान ने उनका संहार किया, भगवान के हाथों उनका वध हुआ। तो ऐसा बताते हैं कि ये योजना है भगवान की। देखो गर्ग संहिता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गर्गाचार्य ने हर एक असुर के पूर्व जन्म के विषय में बताया है कि ये सब जितने भी असुर थे वो सब पुण्य आत्मा थे, जितने भी थे, जैसे अघासुर, बकासुर, कावासुर और जो वृंद कालिया, पूतना, उद्गज, ये जितने भी थे वो कोई साधारण, अब साधारण असुर को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है कि वो भगवान को स्पर्श करे, है ना। भगवान को स्पर्श करने के लिए तो करोड़ों करोड़ जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, तो बहुत युग लग जाते हैं भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का दर्शन होना, भगवान को स्पर्श करना कोई साधारण है। तो ये जो दुष्ट है वो भी बहुत बहुत समय तक उन्होंने ऐसे यज्ञ किए हैं, बहुत सारे बताते हैं गर्गाचार्य गर्ग संहिता में कि वो सब पहले ब्राह्मण होते थे, यज्ञ करते, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दुष्ट क्यों बने थे, तो क्या होता, कोई ना कोई गलती की वजह से उनको श्राप मिल जाता है तो वो असुर बन जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है, भगवान की अनुकंपा का प्रदर्शन करने के लिए, भगवान की महाकृपा का प्रदर्शन। अब भगवान यदि असुरों के साथ ऐसा व्यवहार न करे, भगवान यदि असुरों का विनाश करके उन्हें अपने धाम में ले जाए,
तो फिर आम साधारण और भगवान में क्या आना अंतर होगा? देखो होता क्या है कि जब भगवान साधारण व्यक्ति जब किसी का विनाश करता है ना, तो क्या होता है, केवल उसका स्थूल शरीर ही मरता है, उसका ही वध हो सकता है, क्योंकि हम अगर किसी को मारेंगे हमको सूक्ष्म शरीर को दिखता नहीं है, तो फिर हम खाली स्थूल शरीर को ही विनाश कर सकते हैं। परंतु भगवान जब किसी की हत्या करते हैं, किसी का वध करते हैं, वध कहना चाहिए, भगवान यदि किसी का वध करते हैं तो न केवल स्थूल शरीर बल्कि उसका सूक्ष्म शरीर का भी विनाश हो जाता है। वास्तव में जो सारा अपराध है, द्वेष है, पाप है, अनर्थ है, वो सब जीव के सूक्ष्म शरीर में होता है, है ना? स्थूल शरीर में नहीं होता, सूक्ष्म शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर की प्रेरणा से स्थूल शरीर कार्य करता है। और जो सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर सब अनर्थ होते हैं उसका नाश हो जाता है, तो क्या होता है, जीव आत्मा, जो जीव आत्मा वो तो विशुद्ध है ना, सच्चिद आनंदमय है, तो जब वो अज्ञानता का, सूक्ष्म शरीर के अपराधों का, अनर्थों का पर्दा हट गया और भगवान सामने है, तो भगवान क्या कहते, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समस्थावम् याति नास्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंत समय जो मुझे देखकर या मेरा स्मरण करके यदि वो अपना कलेवर छोड़ता है, यानी अपना शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भाव, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, याति नास्यत्र संशय, इसके अंदर कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी ये बात जान लेनी है कि भगवान कभी भी बाय फोर्स आपको खुद से प्रेम करने के लिए नहीं कहते। यदि जीव आत्मा स्वेच्छा से भगवान को प्रेम करती है तो वो भगवत धाम जाता है, वो जीव, वो असुर जिसका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का वध भगवान ने कर दिया, अपराधों का विनाश हो गया, परंतु यदि उसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो भगवान उसको भगवत धाम में नहीं लेकर जाएंगे, फिर वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा, फिर वहां पर भी यदि उसको सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो फिर वापस उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो अगर उस अंत समय में प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर भगवान का धाम या कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम, भगवान का सानिध्य फिर ही कभी प्राप्त हो सकता। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है, भगवान ने जब उसका सूक्ष्म शरीर विनाश कर दिया, तो शरीर का विनाश हो गया, द्वेष अनर्थ पाप सब विनाश हो गए, फिर कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता, है ना? दुष्टों का प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता? तो भक्तों उसका एक ही कारण है, और वो क्या है जानते हो, कि भगवान कभी भी आपको अपना प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के पास कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, उनके पास यदि प्रेम है तो अपने भक्तों के लिए है, ताकि अपने लिए खुद, मेरे लिए मेरे पास प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का आदान प्रदान होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसके साथ हम प्रेम करते हैं। तो अगर कोई बोले कि भाई आज आप प्यार किससे करती हो, तो बोला मैं खाली खुद से करती, तो ऐसा नहीं होता। जरूरी है कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम प्रेम करते, तो भगवान है ना, स्वयं से प्रेम नहीं करते, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और भक्त क्या करते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो असुरों का अंत में, अंत समय में कृष्ण प्रेम इसलिए उदय नहीं होता है क्योंकि उन्होंने भक्तों का सानिध्य नहीं किया होता। देखिए दुर्योधन कितना विशाल विषम, बहुत ही उदाहरण है हमारे सामने, भगवान साक्षात सामने खड़े अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, फिर भी कृष्ण के प्रति उनके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उनके हृदय में रंच मात्र भी कृष्ण के लिए प्रेम नहीं था। क्यों? क्योंकि साधु संग नहीं किया था। यदि कोई साधु संग करता है तो
भले भगवान उसको दर्शन भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान का सामने आना इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है जितना ही ज्यादा आवश्यक है साधु भक्तों का संग करना। क्योंकि भक्त सामने है ना, यदि तो फिर अब भगवान सामने है तो भगवान को जानो या ना जानो ये सब पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि भगवान को भगवान समझ कर ही हम है ना सरेंडर करें, थोड़ी सी मन में इच्छाएं भी रह जाएंगी, कुछ अपराध भी रहे। लेकिन भक्तों का सानिध्य जब किसी को प्राप्त हो जाता है शुद्ध वैष्णव का, तो क्या होता है उसको तो कृष्ण से प्रेम हो ही जाता है। फिर भगवान का धाम मिलना या भगवान मिलना कुछ मुश्किल नहीं है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, स्थाने अपराधे नहीं परिता। अगर हम भगवान के नाम भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाता है तो फिर भगवान का नाम जो है वो हमारा वो अपराध क्षमा कर, जब हम जप करते हैं तो अपराध क्षमा हो जाता है। इसलिए कहते हैं लेकिन भक्तों के प्रति यदि अपराध हो जाता है ना तो फिर भगवान का नाम भी उसको दूर नहीं कर सकता। भगवान के भक्त जो है वो भगवान से कई गुना ज्यादा महान है, क्योंकि वो भगवान के प्रेम को आपको प्रदान करते हैं। भगवान आपको भगवान का प्रेम प्रदान नहीं करता। तो जिस समय असुर की मृत्यु होती है उस समय जैसी उसकी मनोवृत्ति होती है, जैसी उसकी परिक्रिया होती है, भले उसने बहुत बहुत जन्मों में बहुत बहुत पुण्य करके ये अवसर प्रदान प्राप्त किया है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ उसको, लेकिन यदि उस समय उसकी मनोवृत्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ हृदय में, तो फिर वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, फिर वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको छोटी सी कथा सुनाऊं, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में ये बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है कि चोर आकर छोटे निम्माई को पकड़ लेते हैं, चुरा लेते, उनके गहने चुराने के लिए उनको पकड़ते हैं और अपने कंधे पर बिठा के लेकर जा रहे होते हैं पूरे वृंदावन में, उसको घुमा रहे होते, मतलब वृंदावन नहीं मायापुर में घुमा रहे कि कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर बैठ के हम चैतन्य महाप्रभु के सारे आभूषण, क्योंकि सच्ची माता ने उनको बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, जो सीता ठाकुरानी जो कि साक्षात लक्ष्मी महारानी थी उन्होंने आभूषण भेंट किए थे, तो वो पहनाए थे निमाई को सच्ची माता ने, इतने सुंदर लग रहे थे महाप्रभु। उनको देखते ही चोरों ने कहा क्या इसके आभूषण चुराने हैं, फिर उसको कंधे पे बिठा कर लेके जा रहे हैं। तो ना ऐसे बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि कितना भाग्य है उन चोरों का कि स्वयं साक्षात भगवान के चरण कमल का स्पर्श उनको प्राप्त हो रहा है। करोड़ों जन्मों तक योगी तपस्वी और बड़े बड़े भक्त इसके लिए याचना करते हैं कि भगवान आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो, आपके चरणों में लगी हुई जो धूल है उसका एक कण प्राप्त हो। तो ये चोरों ने जो इतना बड़ा इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या वो बगैर किसी है ना पुण्य कर्म के नहीं मिला है तो जरूर पिछले जन्मों में करोड़ों जन्मों में उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किए होंगे जिसके कारण उनको भगवान का सानिध्य। और पता है क्या साथ में वो निमाई को कंधे पे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, फिर अब क्योंकि छोटे से निमाई थे तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ये रोना ना शुरू कर दे, फिर लोग को समझ में आ जाएगा कि हम इसको चोरी करके लेकर जा रहे हैं। तो फिर है ना उसको ठगा रहे हैं साथ में कि आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, आपको संदेश अच्छी लगती है, मैं आपको संदेश लेकर देती हूँ। तो निमाई को संदेश बहुत अच्छी लगती थी, संदेश मिठाई जो कि है ना उधर मायापुर में होती है तो उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो रास्ते से संदेश मिठाई लेकर उनको खिलाया, कभी और कुछ बिस्किट वगैरह उनको खिला रहे, चीजें खिला रहे उसको, ताकि वो है ना अपरिचित समझ के लोग ऐसे ना सोचे कि उसको चोरी करके लेकर जा रहे हैं। और निमाई भी खाए जा रहे हैं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ना बनाना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा, जो कोई चीजें ना बता रहे और वो ले रहे उसको खिला रहे। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि जो वो दुष्ट खिला रहे हैं
वो साक्षात भगवान स्वीकार करें, कितना ये बड़ा उनका भाग्य। भक्त करोड़ों सालों तक घंटी बजाते रहते हैं, एक पता नहीं, अब ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी प्लेट में बड़ा होता है, और इनका तो उनकी आंखों के सामने भगवान थोड़ा पूरा खाए जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, ये मुझे ये भी लेके दो, मुझे वो भी लेके दो, ये भी मुझे खाना है। तो ये कितना बड़ा उनका सौभाग्य है कि भगवान साक्षात उनके उनकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं, उनको चरण धूलि का दान दे रहे हैं। तो क्योंकि लेकिन फिर भी उनकी इच्छा सेवा भाव की नहीं थी, भले कितने ही जन्मों के पुण्यों के बाद उनको यह अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनकी सेवा का भाव नहीं था, तो बल्कि भगवान का भी संग उनको प्राप्त हो गया, तो जो कल्याण हो सकता था वो उनको नहीं हुआ, वो कल्याण उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो स्थिति उनको प्राप्त नहीं हुई। पूर्व जन्मों के कारण भले ही उनको आज भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, पर उस समय वो जो उस समय उनकी मनोवृत्ति है, अगर ईर्ष्या भाव से भगवान को देखेंगे उस समय अंत समय में तो भी, और अगर प्रेम भाव से देखेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे, भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, भगवान का गोलोक प्राप्त होगा, वरना तो भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुक्ति का मतलब ये, अगर ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं या फिर इस तरह की कोई मुक्ति मिल जाती है, तो भक्तों को तो ऐसी मुक्ति चाहिए नहीं होती। तो इनकी ऐसी मुक्ति क्यों होती, क्योंकि उन्होंने भक्तों का सानिध्य नहीं किया। यहाँ से ये पता चलता है कि भले भगवान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी ने एक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का श्लोक उत्पन्न किया, उच्चारित किया है, जिसमें कि अवतार के विषय में बताया कि अवतार कैसे होता है। मायातीत पर व्योम सवार अवस्थान विश्व अवतार धरी अवतार नाम, कि अवतार का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही, ऐसा नहीं है कि अभी आज उसका जन्म हुआ होता, ऐसा नहीं होता है, वो मायातीत होता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में पहले से स्थित होते हैं, जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जैसे सूर्य पहले से ही होता है परंतु उदय होता है फिर अस्त होता है, उसी तरह से भगवान के अवतार आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समाप्त होते हैं। एक जगह पर लीला होती है फिर दूसरी जगह पर लीला होती है। जैसे जब यहाँ पर सूर्य आता है तो वहाँ पर ना अमेरिका में अंधेरा होता है, चांद निकल रहा होता है, फिर वापस चांद वहाँ पर आ जाता है, फिर सूर्य वहाँ पे। तो भगवान के अवतार अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान सदैव होते हैं वो दिव्य लोक में, लेकिन फिर हमारे भौलोक में ये वो लोक में उतरते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। तो भगवान ने इसमें इस श्लोक में एक बात कही कि परित्राण साधुना विनाशयच दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थ है, कि धर्म की स्थापना के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि यदि धर्म की स्थापना होगी तभी तो उद्धार होगा ना भक्तों का। अगर अधर्म का राज होगा तो भक्तों का उद्धार नहीं होगा। तो भगवान पहले धर्म की स्थापना करते हैं और कहते हैं संभवामी युगे युगे, कि धर्म, यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इसलिए युग युग में अवतार होता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं मैं युग युग में आता हूँ, अब युग युग के बीच में, जैसे पूरा युग है समझो, युग में अगर भगवान आ रहे हैं तो हर टाइम पर तो दुष्ट जो है ना साधु लोग को तंग करते रहते हैं, तो जिस टाइम पर भगवान नहीं आए, भगवान तो जब कभी जाके, अब जैसे आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, उस समय उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार किया, प्रचार किया, उससे पहले 5000 साल पहले भगवान का ना अवतार हुआ था कृष्ण का। तो बीच में भी तो समय होता है ना, अलग अलग समय होता है। तो फिर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्री प्रभुपाद ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग शास्त्रों में, महाभारत में और भागवतम जैसे शास्त्रों में कहा गया कि जिस प्रकार युगे युगे भगवान हर युग में आते हैं, तो भगवान इस कलयुग में भी आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनका, उनके प्राकट्य का श्रीमद् भागवतम महापुराण
11.5.35 में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है जिसमें कहा गया कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण सागोपांगस्तपाशरम यज्ञ संकीर्तन प्रायहि यजन्ति सुमेधसः कृष्ण वर्णम। वो कृष्ण का वर्णन करते हैं दिशा कृष्ण, परंतु वो स्वयं अकृष्ण है, यानी गौर और कांति के गौरंग महाप्रभु हैं। और यज्ञ संकीर्तन प्राही, और वो किस तरह से भगवान का भजन करवाते सबको, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सागोपांगस्त पार्षद, वो अपने पार्षदों के साथ ही होते सदैव, यानी वो पंच तत्व होते हैं ना, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, तो इन सबके साथ चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे और यजंती ही सुमेधसा, कलयुग में उनकी पूजा करें, ये सुमेधसा जिनकी बुद्धि एकदम परफेक्ट होगी, यानी जो बहुत बुद्धिमान होंगे वही भगवान के इस स्वरूप की पूजा करेंगे, गौर कांति स्वरूप की पूजा करेंगे। साधारण व्यक्ति जिनकी बुद्धि, अब यहाँ पर श्री रूपा ने बहुत सुंदर बताया कि देखने में भले कोई सोफिस्टिकेटेड लगता हो, ना बहुत ही संस्कृत बनना हो, लेकिन यदि वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो फिर वो सुमेधसा नहीं हो सकता। फिर लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त है तो भले वो भौतिक दृष्टि से इतना मतलब ज्ञानी ना हो, विद्वान ना हो, लेकिन फिर भी भगवान की नजर में वही बुद्धिमान है। भगवान कहते हैं भवनाम जन्म नाम अनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी बन जाता है वो मेरी शरण में आता है। तो भगवान की नजर में ज्ञानी वही है जो उनकी शरण में आया। हम क्या सोचते हैं, अरे हम लोग क्या सोचते हैं कि ना ज्यादातर अक्कल में लोग भगवान के मतलब बुद्धिमान लोग होते, बड़े बड़े लोग भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नमाम दुष्कृति न मोड़ा, नहीं जाते हैं वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकते, है ना। हमारी नजर में वो बुद्धिमान है जो अलग अलग संतों की जगह पे जाते हैं, और मतलब संत नहीं कहना चाहिए, भौतिकतावादी लोग के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और फिर अमीर हो जाते हैं या फिर उनको कोई ऐसी करिश्मे मिल जाते हैं। तो हमारी नजर में ऐसा लगता है ना, कोई कोई लोग हमें बोलते भी हैं कि देखो उस संत के पास कितनी भीड़ है, उसके पास कितनी भीड़ है। हरे कृष्णा वाले वैष्णव तो ऐसे ही है, दो चार बंदे बैठ के हैं बस महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। लेकिन ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि वो संत है या नहीं, वो मतलब कौन महान है। भगवान क्या बोलते हैं, जो मेरी शरण में नहीं आता वो दुष्ट है, और जो मेरी शरण में आ गया ना वो ही साधु है और वही ज्ञानवान है। तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शास्त्र को देखते हैं तो ऐसा शास्त्र कहता है कि जो बहुत बहुत बुद्धिमान होंगे वही कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में शामिल होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और करवाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा अंतिम प्रश्न रहता है कि भगवान तो कहते हैं मैं हर युग में आता हूँ, तो जिस टाइम पीरियड बीच में, मतलब अब जैसे चैतन्य महाप्रभु को आए 500 साल हो गए, अभी भी तो धर्म की हानि हो रही है, फिर अभी तो भगवान नहीं आ रहे हैं, फिर तब के धर्म की स्थापना करना भगवान का कर्तव्य है, तो अब कौन करेंगे भगवान धर्म की स्थापना, ये भी तो भगवान का कर्तव्य है, तो उस समय उद्धार कब हो, कैसे होगा। तो इसके विषय जी बोलते हैं कि बाकी सब कालों के लिए भगवान योजना बनाते हैं। कैसे योजना बनाते हैं, भक्तों के द्वारा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं का मधुर गान करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और सबको भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कराते हैं। तो ये साक्षात भगवान के उत्तरित होने के जैसा ही है। जैसे जब हम भगवान के विषय में बात करते तो कैसे कहते, आज भगवान ये कह रहे हैं, आज भगवान ये लीला करेंगे, आज भगवान ऐसा करें, तो भगवान का साक्षात सानिध्य है। यानी कि भगवान जो है, भगवान के भक्त जो है वो अपनी वाणी द्वारा भगवान को अवतरित करते रहते हैं, जिससे साधुजनों की रक्षा होती है। अब उस समय साधुजनों की रक्षा कैसे होती है, क्योंकि जब भक्त भगवान की कथा सुनता है तो उसकी समस्त दुख, समस्त कष्ट, समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और वो कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करने लगता है।